जब प्रदेश में जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले कानून लाने जा रहे हैं जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में खेल नहीं सकते। और जो नशे जो लंबे समय से बॉर्डर एरिया में है या एक्साइज वाले अधिकारी कुछ बॉर्डर एरिया में है वो रोटेट किए जाएंगे, ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि वो एक जगह जमे और जिसके कारण वहां किसी कारण से कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो। देखिए, मेरे नशे के मामले में गृह मंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि हम इसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, हाँ, तीन मुद्दों पर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है। एक वाटर सेस के मुद्दे को लेकर बात हुई है, उन्हें मैंने बताया कि ये किसी पानी पर नहीं लग रहा है, ये जनरेशन पर लग रहा है। इससे पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं है, लेकिन बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इस दृष्टिकोण से हमने बात की है। दूसरा, हमने शानन का 2024 में वो उसकी लीज पूरी हो रही है उस संदर्भ में बात की है। तीसरा, हमने टूरिज्म से रिलेटेड बात की है। तीनों मुद्दों पर हमारी ऐसी चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जो भी संवाद के द्वारा सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और हमारी चीफ सेक्रेटरी की एक टीम उनके पास जाएगी और उस संदर्भ में उनकी टीम भी जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर है उसके पास जाएगी और जो समस्याएं हैं या जो मसले हैं उनको संवाद के द्वारा हल किया जाएगा। वो जब भी लाएगा तभी उसके ऊपर बात। धन्यवाद। कोई नहीं, वो उनके से हम हालचाल पूछने उनके जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनको कल चोट लगी है, अभी वो हॉस्पिटल में है और जल्दी भगवान से उनके स्वास्थ्य की कामना।